अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। अब से लगभग 24 घंटे बाद स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि देश में अब किसका नेतृत्व होने जा रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। इस बीच हमने ये निर्णय किया कि हम अपना आकलन प्रस्तुत करेंगे और जो भी एग्जिट पोल्स अभी तक आए हैं 1998 से लेकर के 2014 तक, उसमें कितने प्रतिशत सत्य हुए, कितने प्रतिशत असत्य हुए और इसमें कितने प्रतिशत एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही गई थी और कितनी बार उनकी सरकार बनी और कितनी बार नहीं बनी, तो आइए आपको अब हम विस्तार से समझाते हैं। 1998 में जो एग्जिट पोल आया था उसमें आउटलुक एसी नीलसन ने बीजेपी को 238 सीटें जबकि कांग्रेस को 149 सीटें, अदर्स को 156 सीटें दी। डीआरएस ने बीजेपी को 249 सीटें, कांग्रेस को 155 सीटें, अदर्स को 139 सीटें। फ्रंटलाइन सीएमएस ने बीजेपी को 235 सीटें, कांग्रेस को 155 सीटें और अदर्स को 182 सीटें। इसी तरह इंडिया टीवी सीएसडीएस ने बीजेपी को दी थी 214 सीटें, कांग्रेस को 164 सीटें और अदर्स को 165 सीटें। और जो अंतिम परिणाम आए उसमें बीजेपी को मिली 252 सीटें, कांग्रेस को मिली 166 सीटें और अन्य को मिली 119 सीटें। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो सबसे सही जो सीटों की संख्या दी गई थी, अगर बीजेपी के संदर्भ में बात की जाए तो डीआरएस ने 249 सीटें दी थी और बीजेपी को मिली थी 252 सीटें। तो इस प्रकार से डीआरएस ने बीजेपी के लिए लगभग सही आकलन किया था। इस प्रकार से अंतिम परिणाम जो कांग्रेस के लिए 1998 में आए थे वो आए थे 166 सीटें और इंडिया टुडे सीएसडीएस ने 164 सीटें दी थी कांग्रेस के लिए। तो इस संदर्भ में डीआरएस की जो एक तरह से जो पूरा आकलन था वो बीजेपी के लिए सही निकला जबकि इंडिया टुडे सीएसडीएस का आकलन कांग्रेस के लिए सही निकला। और इसमें 1998 में बात की गई थी बीजेपी यानी एनडीए की ही सरकार की, तो एनडीए की ही सरकार बनी थी। अब आइए बात करते हैं 1999 की। 1999 में इंडिया टुडे इनसाइट ने बीजेपी को दी 336 सीटें, कांग्रेस को 146, अन्य को 80। एचटीएसी नीलसन ने बीजेपी को दी 300 सीटें, कांग्रेस को 146, अन्य को 95। आउटलुक सीएमएस ने बीजेपी को दी 329 सीटें, कांग्रेस को 145 सीटें और अन्य को 39 सीटें। टाइम्स पोल डीआरएस ने बीजेपी को दी 332 सीटें, कांग्रेस को दी 138 सीटें और अन्य को इसने कोई सीटें नहीं दी। और जो अंतिम परिणाम आए वो उसमें बीजेपी यानी एनडीए को मिली 296 सीटें, कांग्रेस को मिली 134 सीटें और अन्य को 113 सीटें। तो इस प्रकार से यदि 1999 के एक तरह से एग्जिट पोल को देखा जाए तो जो सबसे निकटवर्ती जो आंकड़ा था वो एचटीएसी नीलसन का था, उन्होंने 300 सीटें दी थी और ऑफिशियल जो अंतिम परिणाम आए थे उसमें बीजेपी को 296 सीटें मिली थी। इसी प्रकार से यदि कांग्रेस के सही सीटों की गणना 1999 में जिस एजेंसी ने की थी वो थी टाइम्स पोल डीआरएस। टाइम्स पोल डीआरएस ने कांग्रेस को 138 सीटें दी थी जबकि अंतिम परिणाम में कांग्रेस को 134 सीटें मिली थी। और अब बात करते हैं 2004 में जो एग्जिट पोल हुए थे उसमें एनडीए और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। तो 2004 में आउटलुक एमडीआरए ने एनडीए को 290 सीटें दी थी, कांग्रेस को 169 सीटें और अन्य को 99 सीटें। आज तक ओआरजी मार्ग ने 248 एनडीए को, 190 कांग्रेस को, 105 अन्य को। एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रेस ने एनडीए को 250, कांग्रेस यानी यूपीए को 205 और अन्य को 120। स्टार सी वोटर ने एनडीए को 275, कांग्रेस और यूपीए को 186 और अन्य को 38 सीटें। और जो अंतिम परिणाम आए थे 2004 में वो बीजेपी को यानी एनडीए को मिली थी 189 सीटें, कांग्रेस को 222 सीटें और अन्य को 132 सीटें। तो इस प्रकार से यदि 2004 में अगर कोई पोलिंग एजेंसी आंकड़ों के निकट पहुंच पाई थी, विशेष रूप से यदि बीजेपी की सीट की बात करें, तो सबसे कम सीटें जो एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रेस की ओर से दी गई थी 250 सीटें
और इसी प्रकार से कांग्रेस को भी सबसे जो निकटवर्ती आंकड़ा था 222 के करीब करीब, तो कांग्रेस को एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 205 सीटें दी गई थी और इसी श्रृंखला में 120 सीटें अन्य को उन्होंने दी थी और अंतिम परिणाम 120 सीटों के आए थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रेस का जो आकलन था 2004 में वो लगभग लगभग एनडीए, कांग्रेस और अन्य के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठता है। अब 2009 में जो पोलिंग हुई थी उसके एग्जिट पोल के जो परिणाम थे वो इस तरह से हैं। स्टार न्यूज़ एसी नीलसन ने बीजेपी यानी एनडीए को 197 सीटें, कांग्रेस यूपीए को 199 सीटें और अन्य को 136 सीटें। उन्होंने एनडीए बीजेपी को दी 183 सीटें, 198 कांग्रेस को, 162 अन्य। एनडीटीवी ने एनडीए और बीजेपी को 177 सीटें, यूपीए कांग्रेस को 216 सीटें और अन्य को 150 सीटें। हेडलाइंस टुडे ने 180 सीटें एनडीए को, यूपीए कांग्रेस को 191 सीटें और अन्य को 172 सीटें दी थी। और अंतिम परिणाम जो आए उसमें एनडीए बीजेपी को 159 सीटें, कांग्रेस प्लस यूपीए को 262 सीटें और अन्य को 79 यानी 79 सीटें मिली थी। तो इस प्रकार से 2009 में एक प्रकार से जो गणना की गई थी एग्जिट पोल के माध्यम से, उसमें अगर बीजेपी के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे कम सीट जो है बीजेपी को दी गई थी एनडीटीवी द्वारा, 177 सीटें दी गई थी और बीजेपी को 159 सीटें मिली थी। तो बीजेपी के लिए 2009 में जो सबसे एक सटीक या आंकड़ों के निकट पहुंचने का काम एनडीटीवी के एग्जिट पोल में हुआ था। और इसी प्रकार से यदि देखें तो एनडीटीवी के ही एग्जिट पोल में 216 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, जबकि 262 सीटें मिली थी। तो ये भी एक तरह से बहुत सटीक तो नहीं, लेकिन हाँ एक निकटवर्ती जो आंकड़े थे वहां तक पहुंचने में एनडीटीवी का जो एक जो सर्वे था वो काफी हद तक कारगर रहा था। अब बात करते हैं 2014 में क्या हुआ था, किस तरह से एग्जिट पोल। तो 2014 में एबीपी नीलसन ने एनडीए को 281 सीटें, कांग्रेस यूपीए को 97 सीटें और अन्य को 175 सीटें। टाइम्स नाउ ओआरजी ने एनडीए को 249 सीटें, कांग्रेस को 148 सीटें और अन्य को 146 सीटें। सीएनएन, आईबीएन, सीएसडीएस, लोकनीति ने एनडीए को 280 सीटें, कांग्रेस को 97 सीटें, अन्य को 166 सीटें। हेडलाइंस टुडे ने एनडीए को 272 सीटें दी थी, कांग्रेस को 115 और अन्य को 156। चाणक्य ने 340 सीटें दी थी एनडीए को, कांग्रेस को 70 सीटें दी थी और 133 सीटें दी थी अन्य को। इंडिया टीवी सी वोटर ने 289 सीटें दी थी एनडीए को, 101 सीटें कांग्रेस को और 153 सीटें जो है अन्य को। एनडीटीवी ने 289 सीटें दी थी बीजेपी एनडीए को और 103 सीटें दी थी कांग्रेस को और 161 अन्य को दी थी। और जब परिणाम अंतिम आए तो उसमें एनडीए को 336 सीटें मिली, कांग्रेस यूपीए 59 यानी 59 सीटें और अन्य को 148 सीटें मिली थी। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो 2014 में चाणक्य जो संस्था थी उसने सबसे सटीक आकलन किया था और बीजेपी को 336 सीटें मिली थी, बीजेपी प्लस एनडीए को, और चाणक्य ने 340 का आंकड़ा दिया था। इसी प्रकार से कांग्रेस के मामले में भी उसका आकलन कहीं सही था, 70 सीटें उसने आकलन किया था और 59 सीटें उसको मिली थी और 133 सीटें अन्य को दी गई थी जबकि 148 सीटें मिली थी अंतिम परिणाम में। तो चाणक्य का जो आकलन रहा है वो 2014 में बिल्कुल सटीक रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या 2019 में एग्जिट पोल सही होंगे गलत होंगे, इसकी गणना कर लेते हैं। इसकी गणना के लिए हमने जो विधि निकाली है वो प्रोबेबिलिटी की, यानी कि जो आवृत्ति हुई है लगातार उसी का आधार बना करके हम अब विश्लेषण करेंगे कि 2019 में एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 1998 में कांग्रेस के लिए सही नहीं रहा था, एनडीए की सरकार बनी थी और एग्जिट पोल भी एनडीए के लिए था। 1999 में एग्जिट पोल भी एनडीए के लिए ही था और सरकार भी एनडीए के लिए बनी थी। 2004 में आते हैं, 2004 में भी एग्जिट पोल एनडीए के लिए था लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। इसी प्रकार 2009 में भी
एग्जिट पोल एनडीए के लिए था, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की। और 2014 में फिर एक बार एनडीए के लिए आंकलन था और सरकार भी एनडीए की बनी थी। अब प्रश्न ये है कि 2019 में क्या ऐसा होने वाला है? क्या एनडीए के लिए ही आंकलन किया गया है और एनडीए की ही सरकार बनेगी? तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी का एक तरह से आधार बनाते हैं कि बीजेपी को 1998 और 99 में दो बार एनडीए के लिए ही आंकलन किया गया था और दोनों बार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन उसके विपरीत 2004 और 2009 में भी आंकलन एनडीए के लिए ही था लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। अब बात होती है कि क्या 2014 में एनडीए के लिए आंकलन हुआ है, तो क्या 2019 में भी वही होगा जो आंकलन किया गया, वही सत्य होगा? तो इस संदर्भ में जो हमारी जो गणना कहती है वो ये कहती है कि इस बार के आंकलन सत्य हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी कि जिस प्रकार से 1998 में अल्पमत की सरकार बनी और 1999 में पूर्णकालिक सरकार बनी, और दोनों बार ही जो आंकलन थे वो एनडीए के लिए थे और एनडीए की ही सरकार बनी। तो अगर इसी बात को देखा जाए तो 2014 में आंकलन एनडीए के लिए था और सरकार एनडीए की बन चुकी है। 2019 में भी सरकार एनडीए की बन सकती है लेकिन अल्पमत में रह सकती है या जोड़ तोड़ करके बन सकती है, क्योंकि अगर 1998 और 1999 की बात लेते हैं तो अगर वही प्रोबेबिलिटी 2014 और 2019 में दोहराई जाती है तो इस बात की संभावना बन सकती है कि एक बार पूर्णकालिक सरकार बनी है और एक बार अल्पकालिक सरकार बने, या फिर सरकार कोई और बना ले जाए गठबंधन दल मिला करके और फिर मध्यावधि चुनाव हो और उसके बाद जो है पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बने। इस बात की संभावना लगती है कि इस अगर प्रोबेबिलिटी को देखा जाए, ये कोई ज्योतिषी आंकलन नहीं है, ये एक तर्क के द्वारा ये हम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो 1998 और 99 दोनों बार बीजेपी की सरकार रहती है, फिर लगातार 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार रहती है, यानी दो बार लगातार बीजेपी की सरकार बनती है और फिर दो बार लगातार कांग्रेस की सरकार बनती है। तो उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो 2014 और 2019 ये दोनों बार जो है वो बीजेपी यानी एनडीए की सरकार होनी चाहिए। तो दर्शकों, ये था एक तरह से एग्जिट पोल 1998 से लेकर के हमने 2014 तक की आपको बात बताई है। आपने हमारा चैनल देखा, आशा है कि आपको हमारा ये विचार विमर्श, ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल का चुनाव परिणाम क्या आता है इस पर चर्चा करेंगे कल सायं 5 बजे, लेकिन अभी आप हमें अनुमति दीजिए क्योंकि हमें अभी आपके लिए बहुत सारी सामग्री की तैयारी करनी है। देखते रहिए अखंड मंथन, समय से पहले समय की जानकारी पाने के लिए।